हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हाजिर हैं क्लास टेंथ के काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, जिसकी कि बोर्ड एग्जाम 2021 में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां से आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 का मान होगा। तो देखिए यहां कैसे बनाते हैं हम लोग। साइन 54 को यूं ही छोड़ते हैं और इस कॉस को हम लोग लिखते हैं साइन, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे कॉस 90 में कितना घटाएं, जो 36 आएगा तो 54 घटाते हैं। तो ये क्या मिला हमको, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये घट के क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm हो तो इसकी त्रिज्या, परिमाप अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए ये होता है हमारा अर्धवृत्त, ये यहां से r और ये r, यानी अर्धवृत्त का परिमाप, थोड़ा सा यहां कंफ्यूज किया है, पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r बराबर 36। अच्छा देखिए हम लोग यहां क्या करते हैं, r कॉमन करेंगे, पाई प्लस 2 बराबर 36। अच्छा r बराबर क्या हो जाएगा, 36 बटे 22 बटे 7 जोड़ 2। तो इसको यदि हल करते हैं तो यहां देखिए इधर हल करते हैं हम लोग, तो 36 और इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 22 जोड़ यहां 7 हो जाएगा और 7 गुना 14, यानी कि ये उल्टेगा, 36 बट्टे 22 चार 26 10 36 और गुना 7, ये कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7, ऑप्शन नंबर बी। अक्सर बच्चा क्या करता है, केवल पाई आर लिख के निकालने की कोशिश करता है जो कि गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पद में है। तो देखिए इसका प्लस साइन इसका माइनस साइन, तो यहां ये कहां होगा, एक्स प्लस वाई माइनस, यानी कि ये वाला एक्स प्लस और वाई माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थार्थ पद, क्या हो जाएगा, चतुर्थार्थ पद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का मान, फिर से देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मान क्या होगा, m प्लस 2 बिल्कुल नहीं होगा, 2m प्लस 1 भी नहीं होगा, 2m माइनस 1 भी नहीं होगा, क्या होगा, 2m होगा, क्यों, तो 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना 2 तो 4, 2 गुना 3 तो 6, तो ये 2 4 6 का सीरीज ये पैदा कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए पूछा गया है बिंदु 4 3 किस पाद में है। देखिए यहां दोनों प्लस है, दोनों प्लस किसमें होता है, प्रथम पाद में, किसमें होता है, प्रथम पाद में। चलिए कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा। देखिए किसी समांतर श्रेणी का 6 ए 6 है 13, तो ए प्लस 5d बराबर 13, और फिर क्या कहता है बारहवां पद ए 12 है आपका 25, तो ए प्लस 11d बराबर 25। समीकरण इसको एक कहिए, इसको समीकरण दो कहिए, यहां जगह थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं, ए प्लस 5d ऐसे करते हैं, ए प्लस समीकरण दो में एक को घटाते हैं, ए प्लस 11d इक्वल टू कितना 25 और ए प्लस 5d इक्वल टू कितना 13 घटा देते हैं। चलिए ये कट गया ए, तो 6d बराबर कितना 12, यानी d बराबर कितना 12 बट्टे 6, यानी कि 2, d हमारा 2 आया, तो ए प्लस यहां देखिए इसमें हम लोग मान रखते हैं, तो ए प्लस 5 गुना 2 बराबर 13, तो a प्लस 10 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 10 यानी कि 3, आंसर हमारा क्या जाएगा, प्रथम पद 3। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी हमको देखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, फटाफट इसका जवाब भी आप लोग दीजिए क्या होगा। कहता है एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन 1570 cm क्यूब है, यदि इसके आधार पर क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, आयतन, तो आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। अच्छा चलिए अब हम लोग को हमको इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, तो 1/3
पाई आर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, और यानी कि ऐसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 1570 बटे ये ऊपर 3 चला जाएगा और h नीचे। अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, यहां से इसको ऐसे करते हैं हम लोग आसानी से, कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ 1/3 314 गुना एच बराबर 1570, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1570 गुना 3 बटे 314, तो ये कितना बार में खाएगा 5 बार में, तो h कितना हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में लग गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है कॉसेक 45 का मान, तो ये तो काफी आसान है, साइन 45 1/√2 इसलिए ये क्या हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होता है असंगत होता है दोनों नहीं, क्या होता है संगत होता है। चलिए पूछा गया है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हो जाएगा ax³ + bx² + cx² + dx। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x²-5x+7 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान, तो देखो यहां इसको थोड़ा सा हल करते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा होगा जिसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं, और इसके बराबर होता है -b/a और ये c/a, तो ये a कैंसिल तो -b/c। चलिए b का मान कितना यहाँ -5, c का मान 7, तो 5/7 कितना 5/7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, यहां थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग, 6x² - 7x - 3, देखिए 6x² के साथ गुना कीजिए 6 * 18 2 * 9 फिर 3 * 3, तो 3 * 9 - 2 करना पड़ेगा हमको -9x + 2x - 3 = 0, चूंकि इसका शून्यक निकालना है, यहाँ 3x कॉमन करते हैं तो 3x - 3, यहाँ 1 कॉमन करते हैं, सॉरी यहाँ 2 होगा, माफ कीजिएगा यहाँ क्या होगा 2 होगा, एक सेकेंड ये होगा 2, यहाँ 2x - 3 = 0, तो 2x - 3 * 3x + 1 = 0, तो 2x - 3 = 0 यानी x = 3/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 3/2, और दूसरा हो जाएगा हमारा 3x + 1 = 0 यानी x - 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3, यहां शायद इस तरह का ऑप्शन नहीं लिखा है, 3/2 और -1/3 ये होगा ऐसा, ऑप्शन नंबर डी, यहां माइनस नहीं होगा इसको हटा दीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/α + 1/β, तो ये एच फिर सेम सवाल है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भिन्न का जोड़ की तरह से हल करने पर, और -b/a और c/a कट गया -b/c यानी -2/c का मान 3, तो -2/3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो रैखिक का अद्वितीय हल होगा अर्थात एक हल होगा, क्या होगा एक हल होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ये बताना है, तो देखिए ये कट गया तो ये भी अपरिमेय ये परिमेय, अच्छा और यहां ये दोनों अपरिमेय है, ये दोनों अपरिमेय, ये दोनों क्या है परिमेय है, क्या होगा ये दोनों क्या है परिमेय है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां देखिए कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, HCF तो सम संख्या देखिए 2, 4 का HCF जिसमें 2 सबसे भाग लग, 2 से सब में भाग लग जाएगा, इसलिए हमेशा इसका आंसर क्या होता है 2, आप याद रखिएगा। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक AB के लिए AB का मोसो गुना AB का लोसो निम्न में होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर यानी a - a × b। अब कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में किसे प्रकलित करने की तकनीक है,
तो यूक्लिड विभाजन तो आप लोग जानते हैं क्या, मौसो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है पाई है, तो आप याद रखिएगा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। कहता है दो संख्या, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म है क्या है। कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, यानी ऐसा है तो क्या होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए दिया हुआ है ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर नहीं है सी वन बाय सी टू, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई हल नहीं होगा। चलिए कहता है ए का मान जिसके लिए समीकरण ये और ये दोनों हल होगा, कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल होगा, बताइए कि एक स्थान पे क्या रखा जाए। तो देखिए यहां क्या होगा भाई, देखते हैं। ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू कर लीजिए, तो ए बाय एक्स टू का यहां मान कितना, 2। अच्छा यहाँ ए बी टू का मान कितना है, 10। अच्छा यहाँ बी टू का मान कितना है, 5। कितना है, 5। तो 5 ए बराबर क्या मिला हमको, 20। तो ए बराबर 20/5 यानी कि 4। कितना, 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को भी कन्विंस करें कि ये चैनल, जो नए नए 10th क्लास में आए हैं उनको भी आप बताइए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उनको साल भर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। यहाँ सारी सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाती है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तथा अपने जूनियर से जो बच्चे 9th से 10th में गए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। चलिए अब कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो के मूल प्रकृति होगी, इसमें पूछा गया है, तो हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान यहाँ कितना, एक का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान कितना, बताइए, सी का मान माइनस 1। तो ये हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस 4, तो कितना आया, 5। इसका मतलब वास्तविक है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक है लेकिन असमान है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं, आप लोग इसको हल कर सकते हैं, चूंकि अब तो बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं आप लोग पढ़ते पढ़ते, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आंसर केवल हम बता रहे हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विभिक्तर निम्नलिखित में कौन सा है, विभिक्तर मतलब कुछ नहीं, डी निकालना है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लोगों को पता है। तो देखिए यहाँ बी का मान कितना है, माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 4 गुना ए का मान कितना, 1, और सी का मान कितना है, 4। तो 5 25 माइनस 4 16 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कहता है निम्नलिखित में से 4 - 1/2x² का शून्य, काफी आसान सवाल है, देखिए यहाँ मेरा 4 - 1/2x² बराबर 0 यानी -1/2² बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ये नीचे ऊपर आके गुना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 यानी x बराबर इसको करें तो +-8, तो ये क्या हो जाएगा, +(2√2), चूंकि यहाँ माइनस की बात नहीं की गई है इसलिए हम लोग क्या रखेंगे, 2√2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चयों के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। फिर से देखिए निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। अच्छा एक सेकेंड, ये देखिए प्लस माइनस रूट आ जाएगा, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, यहां भी 7 पे रूट आ जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, और पूछा किससे हमसे, हल हल परिमेय संख्या, तो इसको आप हल कीजिएगा। देखिए इसको हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 3 - 2x, तो देखिए ये कैंसिल, तो एक्स बराबर +-√3 हो गया, ये भी अपरिमेय है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर में। कहता है 1 3 5 9 13 17 21 के समांतर श्रेणी में हो पदांतर का मान, तो कुछ नहीं इसमें घटा दीजिए, कितना आता है, 9 में 5 घटाइएगा 4, या 5 में घटाइए तो 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, अगले में पिछले को घटा के देखना। जैसे एक ठो हम बताते हैं, बाकी आप चेक कीजिएगा। यहां देखिए 4-2 और 8-4, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह आप चेक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है तीन संख्याएं एपी में है, तीन संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है। तथा उनका योग क्या है? 24 है। उनके वर्गों का योग 20 है। तो वे संख्याएं हैं, तीन संख्याएं एपी में मान लेते हैं, A1, A2 और A3, ये एपी में है, तीनों का योग। चलिए इसका ऐसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24, और तीनों के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है? 20 है। यहाँ 24 है, ये 20 है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, हम थोड़ा सा बताते हैं आपको यहाँ, चूंकि ये बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला लगाइएगा, आपको ये जरूर मिल जाएगा। यदि आपको नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम इसके आंसर को फिर से लेके आएंगे एक अलग वीडियो में, चूंकि यहां बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हम लोग क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 0 से 50 के बीच में, बीच की विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 से 50 के बीच एक, फिर कितना? 3, और लास्ट में सबसे कौन आएगा? 49। तो देखिए ए हमारे पास 1 है, डी कितना है? 2 है, और ए एन बराबर कितना है? 49। तो देखिए तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 49। यहां देखते हैं, यहां थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा आपको। तो a का मान हमको 1, प्लस n हमको पता नहीं, लेकिन d तो हमको पता है। कितना d हमको पता है? नहीं, d पता है, सॉरी 2। तो ये कितना हो गया? 49 आया। चलिए तो ये क्या हो जाएगा भाई? n माइनस वन इंटू टू बराबर 49 माइनस वन, n माइनस वन इंटू 2 बराबर 48, यानी n माइनस 1 बराबर 48/2 यानी कि 24। चलिए n बराबर 24 और इसको इधर लाएंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 25। n 25 हो गया। अब Sn निकाल लेते हैं। तो देखिए Sn बराबर होता है n बाय 2 a प्लस an। तो n कितना है हमारे पास? 25/2, a हमारे पास 1 और an है 49। तो इसको जोड़िएगा तो यहां देखिएगा, थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट में 25/2 गुना 49 से 50, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये 25 आ जाएगा, ये 50 में, तो 25 गुना 25 क्या होता है? 625, यानी ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है, वैसे कोई नहीं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, हम आपको सारा चीज समझा देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आपको समझाने में। तो इतना सा तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहता है किसी एपी की चार संख्याओं का योग 40 है। किसी एपी के चार संख्याओं का योग 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना है? 91 है। वे संख्याएं होंगी तो सेम एज इट इज, ये भी है, आप इसको भी जरूर बनाइएगा। नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक इसके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आएंगे इस तरह के सवाल के लिए, क्योंकि यहां थोड़ा सा लंबा जाएगा और जगह की कमी होती है। चलिए कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। देखिए एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये देखिए ऐसा है, ए बी बराबर ए सी। अच्छा ए बी बराबर ए सी, यहां तब बी होगा, यहां ए होगा। देख लीजिए हम बता देते, थोड़ा सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये क्या बोला भाई? ए बी और ए सी बराबर, यानी ये और ये भुजा बराबर होगा, तो यहां ए, ये बी और ये सी, तो ये 90 डिग्री हुआ। तो ये दोनों कौन क्या होगा? चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 45 और ये भी 45, तभी तो 90 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट और जवाब दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज एबीसी में ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 है, तो कौन
सी का मान कौन सा होगा? इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 50 डिग्री, 50 cm, इसको स्क्वायर कीजिए, और 30 का स्क्वायर कीजिए और 40 का स्क्वायर कीजिए। 50 गुना 50 तो 5 है 25, 2500, और ये 3 3 900, और ये 4 4 16, यानी 1600, ये भी 2500 और ये भी 2500। इसका मतलब जो कौन पूछा जा रहा है वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। आप बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज कैसे, चूंकि इस पे पाइथागोरस परिमेय लागू हुआ। चलिए, कहता है पाइथागोरस परिमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से, यही तो अभी तुरंत बताते आ रहे हैं। चलिए, sin 90 - θ, ये तो आप लोग आंख बंद करके मार दीजिएगा, cos θ। अब कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री, तो एबी की लंबाई ये देखिए, ये है हमारा सी, इधर ए इधर बी, हमसे एबी की लंबाई पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, एसी का स्क्वायर प्लस क्या, इस बीसी को भी हम लोग एसी लिख सकते हैं ना, क्यों, चूंकि क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो 2AC² पे रूट, यानी √2AC, √2AC, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु A 10 तथा B 40 सॉरी 4 16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 के साथ 4 को जोड़ दीजिए, बट्टे 2 कर दीजिए, 10 के साथ 6 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 12/2 और 16/2, यानी कि 6 और 8, 6 और 8, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट सवाल है आज का। कहता है कि बिंदुओं A 4 5 तथा B इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का, ये तो आपसे ही बनना चाहिए, चूंकि ये देखिए 6 4 10/2 और 5 + 5/2, तो 5 और 5, 5 और 5, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बेस्ट टीचर से अच्छे से तैयारी कर पाएं, जो कि आपको क्लासरूम का अनुभव दे। धन्यवाद।